नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का सैनिक वेलफेयर रिसर्च में। इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जो कि अगस्त महीने का पार्ट फोर है। दो चीजें बताना महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, जितने भी हम लोग चर्चा करेंगे वैकेंसीज के बारे में, सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज, इसी तरीके से अगर आप अपडेट्स और रेगुलर अपडेट्स वीडियोस चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जुड़ के आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वैकेंसी के बारे में। सबसे पहला वैकेंसी है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़, और वैकेंसी क्या चीज का है? वैकेंसी है क्लर्क के लिए, और इसमें पूर्व सैनिकों के लिए 126 पोस्ट है क्लर्क के लिए, और यह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है 6 अगस्त 2022 से, और इसका लास्ट डेट है 27 अगस्त 2022। पूर्व सैनिकों को कितना फीस देना होगा? एप्लीकेशन फी ₹525 इसमें लगेगा, और यह केवल पंजाब स्टेट के पूर्व सैनिकों के लिए है, बाकी अदर स्टेट के लिए 825 यानी वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद बाकी एज रिलैक्सेशन भी है पूर्व सैनिकों के लिए। अब देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन भी इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, और अगर पूर्व सैनिक हैं तो उनका डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इसमें मान्य है। अब इसमें देख सकते हैं वैकेंसी टोटल जनरल के लिए, ये पूर्व सैनिक एक सर्विसमैन ऑफ पंजाब के लिए है 74, सुपर एससी के लिए 33, और ओबीसी और बीसी के लिए 19। तो टोटल 126 पोस्ट है, और दूसरे अलग स्टेट के भी इसमें पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको कोई रिजर्वेशंस नहीं मिलेगा। अब इसमें देखते हैं इसमें सैलरी एज पर पंजाब गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार उनको सैलरी रहेगा, अच्छी खासी सैलरी इसमें रहती है। अब एग्जाम सिलेक्शन का देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसमें। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहला ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जिसको बोलते हैं, और उसमें दो चीजों का एग्जाम होगा, जनरल नॉलेज और इंग्लिश का। इसमें मैथ्स और रीजनिंग का इसमें पार्ट नहीं है कहीं भी। अगर पूर्व सैनिक अगर चाहते हैं जिनका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है तो उनके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसमें जीके का पोर्शन होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, और इंग्लिश ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव आएगा 20 नंबर का, और सब्जेक्टिव आएगा जिसमें एक ऐसे लेटर प्रिसाइज और ट्रांसलेशन वगैरह लिखने होंगे 30 नंबर के होंगे, टोटल 100 मार्क्स का होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ध्यान रखेंगे 1/4 यानी इसमें डिडक्शन होगा, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है 33% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, और एग्रीगेट 40% लाना होगा। उसके बाद पार्ट टू में क्या होगा? पार्ट टू में जो टेस्ट होगा वह कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर टेस्ट का इसमें दो पार्ट में होंगे, पार्ट वन में इसका कंप्यूटर वाले फर्स्ट पार्ट में होगा, उसमें स्प्रेडशीट टेस्ट। स्प्रेडशीट क्या है? यह एक्सेल शीट पे होगा, और एक्सेल शीट पे इसमें 40% सिक्योर नंबर लाने जरूरी होंगे, और जिन पूर्व सैनिकों को उतना ज्ञान नहीं है कंप्यूटर का तो वो अभी टाइम है, उसमें सीख सकते हैं, और स्प्रेडशीट 20-25 दिन एक महीना में आराम से नॉर्मल सीख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग होगा इंग्लिश में, 30 वर्ड्स पर मिनट कोई ज्यादा नहीं है, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आता है तो इसको आप प्रैक्टिस करके अभी समय है इसमें सीख सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम डेट, देखिए इसका क्या है, अक्टूबर नवंबर 2022 का शेड्यूल है इसमें, बहुत समय है, अगर चाहते हैं तो ये टाइपिंग स्पीड भी नहीं आता है, फिर भी स्प्रेडशीट भी अगर एक्सेल जान सकते हैं, वर्किंग नॉलेज इसमें सीख सकते हैं। एडमिट कार्ड एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी मिल जाएगा, और वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एग्जाम सेंटर्स कहां कहां होंगे? देखिए एग्जाम इसमें पंजाब, पूरे ऑल ओवर पंजाब, हरियाणा, यूटी ऑफ चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली एनसीआर में इसके सेंटर्स होंगे, लेकिन इसमें पूर्व सैनिकों के लिए पंजाब के पूर्व सैनिकों को ही रिजर्वेशन मिला है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला नोटिफिकेशन क्या, यह जारी किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसको देख लीजिए। सबसे पहला है ये, देखिए जारी किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और यह जानकारी दे दें जो नए व्यूअर्स हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए
वैकेंसी जारी करता है और एग्जाम कंडक्ट करता है अलग अलग सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम का इसमें नोटिफिकेशन आया है, सबसे पहला है CHSL यानी क्लरिकल एग्जाम टीयर टू का एग्जाम होगा और ये शेड्यूल कब है, ये शेड्यूल है 18 सितंबर 2022, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल यानी हेड कांस्टेबल का एग्जाम कब है मिनिस्टेरियल, ये दिल्ली पुलिस में जो फिजिकल दे रखे हैं उनका एग्जाम CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कब होगा ये 10 अक्टूबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 ये निर्धारित है, उनका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद तीसरा जो है मल्टी MTS और हवलदार पोस्ट के लिए जो दिए थे CBIC और CBN डिपार्टमेंट में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है और इसमें जो जो भी पूर्व सैनिक इसमें भरे हुए हैं पार्ट वन जिनका दे चुके हैं इसमें आंसर की भी जारी हो रखा है, आप इसका डिस्क्रिप्शन आपको इसका जो आंसर की का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाके अपना आंसर की चेक कर सकते हैं कितने नंबर आया है। उसके बाद इसका जो पार्ट टू एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव होगा वह 6 नवंबर 2022 को शेड्यूल्ड है, उस हिसाब से अपना तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वह रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट्स के लिए है और इसका फेज वन का एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुका है, कब होगा इसका एग्जामिनेशन डेट, कब से स्टार्ट है 17 अगस्त 2022 से 25 अगस्त 2022 के बीच में एग्जाम शेड्यूल होगा और किन किन जोन के लिए है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, यानी इन जोन्स के लिए एग्जाम होगा 17 अगस्त से 25 अगस्त 2022। और यहां पे इसका लिंक भी दिया हुआ, देखिए यहां से इस प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और डेट ऑफ बर्थ भरना है, उसके बाद आप लॉग इन करके अपना एग्जामिनेशन डेट चेक कर सकते हैं और सिटी चेक कर सकते हैं किस सिटी में आपका एग्जाम है। अगला जो वैकेंसी आया है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है और वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी क्लरिकल वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, स्टार्ट डेट अच्छा ऑनलाइन ये कब से स्टार्ट है, ऑनलाइन स्टार्ट है 12 अगस्त 2022 से और 11 सितंबर 2022 तक चलेगा। इसमें पूर्व सैनिकों के लिए इसमें टोटल वैकेंसी 130 है और इसमें पूर्व सैनिक जो ओडिशा के पूर्व सैनिक हैं उनके लिए वैकेंसी है, इसमें 10+2 चाहिए और टाइपिंग चाहिए, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं वह है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहां से आया है, अभी किनके लिए वैकेंसी है देखते हैं, अब इसमें नोटिफिकेशन, अब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसका एक यूनिट गाजियाबाद में है वहां से वैकेंसी आया है और ये वैकेंसी है सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए और JCO पोस्ट का वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक वैकेंसी है, सैलरी भी इसमें बहुत बेहतरीन सैलरी है, देखिए E1 सिक्योरिटी पोस्ट के लिए 8.74 लाख पर एनुअम इसमें सैलरी है बहुत बेहतरीन और जॉब लोकेशन रहेगा गाजियाबाद, उस यूनिट के लिए यहां वैकेंसी है, बाकी डिस्क्रिप्शन ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिलअप किया जाएगा, बाकी इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा किस तरह से एप्लीकेशन ऑफलाइन फोर्ड में स्पीड पोस्ट के माध्यम से वहां गाजियाबाद के यूनिट में भेजना है। तो यह था वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए अगस्त का और यह पार्ट फोर था, बाकी पार्ट आप नहीं देखे हैं तो